बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्लोरोफिल पढ़ रहे हैं, तो क्लोरोफिल एक लिपिड मॉलिक्यूल है। अगर हम इसको चेक करें तो इसके दो पार्ट होते हैं, हेड एंड टेल। हेड का पार्ट ये पोर फायरिंग रिंग के ऊपर कंसिस्ट होता है। पोर फायरिंग रिंग 1, 2, 3, 4 पायरो रिंग से मिलकर बना होता है। इसका सेंट्रल एटम मैग्नीशियम होता है। फर्क ये होता है क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन के अंदर सेंट्रल एटम का फर्क होता है। अब इसकी टेल होती है C20L39। इसका हेड हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, जबकि इसकी टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर हीटिंग होती है। अब क्लोरोफिल ए और बी में बड़ा फ़र्क जो है वो फंक्शनल ग्रुप का होता है। अगर CH3 मिथाइल ग्रुप हो तो क्लोरोफिल ए है, एल्डिहाइडिक ग्रुप हो तो क्लोरोफिल बी होता है। असेसरी पिगमेंट्स जो क्लोरोफिल को कवर करते हैं, क्लोरोफिल के गिर्द होते हैं, उनको असेसरी पिगमेंट, जिस तरह मोबाइल के ऊपर असेसरी होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, ऐसे ही सेंसरी पिगमेंट्स जो हैं वो क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करते हैं। इसकी जो एनर्जी का फ्लो है वो कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए की तरफ होता है। अगर हम कैरोटीनॉइड को देखें, ये बीटा कैरोटीन के ऊपर मुश्तमिल होती है। ये टू मॉलिक्यूल्स के अंदर स्प्लिट होती है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए इज ऑक्सीडाइज रिटाइनर पिगमेंट, ये ह्यूमन विजन में हेल्प करता है। ये कैरोटीन मॉलिक्यूल जो हैं ये हमें वीजन में हेल्प करते हैं। ये गाजरे वगैरह खानी चाहिए क्योंकि इनके अंदर बीटा कैरोटीन होती है जो कि आई साइट को इम्प्रूव करती है। अगर ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्वेशन बस ठीक है।